जब ये रात का अंधेरा गुम होने लगे, तब धरती पर दस्तक देती है वो सूरज की पहली किरण। उन सूरज की किरणों ने हमारी छोटी छोटी खुशियां देखी होंगी, उस रोशनी ने माँ की मुस्कान देखी होगी, उस रोशनी ने दोस्तों की अटखेलियां देखी होंगी। लेकिन अब जब ये धूप धरती पर पड़ती होगी, तो उसने भी देखा होगा कि कैसे ये हलचल वाले शहर अचानक थम से गए हैं। शायद उस धूप ने लोगों के आंखों की उदासी भी महसूस की होगी, जब हर कोई खिड़कियों के बाहर ये थमी हुई दुनिया देख रहा है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चे खोए, उनके आंसू अब तक रुके भी नहीं। इस मायूसी से गुजरते हुए वो सूरज की किरण एक घर के बाहर पहुंची। एक आदमी फोन पर कह रहा था, मेरा धंधा बर्बाद हो गया है, मैंने जिंदगी भर जितना कमाया सब चला गया। वो आदमी बार बार दोहराने लगा, मैंने सब कुछ खो दिया है, मैंने सब कुछ खो दिया है। ये सुनकर सूरज की किरण सोचने लगी कि क्या नादान है ये आदमी, उसके बीवी बच्चे उसके साथ हैं, घर में सबकी तबीयत भी ठीक है, उसका छोटा बच्चा उसके पास खेल रहा है, लेकिन फिर भी ये आदमी कह रहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया। एक और आवाज आई, न्यूज चैनल देखते हुए एक लड़की फोन पर बता रही थी कि आने वाला वक्त कितना बुरा होने वाला है, कैसे करोड़ों लोग बेरोजगार होने वाले हैं, कैसे लाखों व्यापार बंद होने वाले हैं। सूरज की किरण ये आने वाले कल की भविष्यवाणी सुनकर मुस्काई। ये उदासी उसने पहले कई बार सुनी है, उस रोशनी ने अनगिनत जंगें महामारियां देखी हैं, हर पल इंसान को निराश होते हुए देखा है, हर दुख के दौरान इंसान को ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में सब बुरा ही होने वाला है। जब जापान वर्ल्ड वॉर के बाद बर्बाद हो गया, तब सब ने कहा सदियां चली जाएंगी जापान को फिर से उभरने में, लेकिन जापान फिर से उभरा। सूरज की किरणों को पता है कि हर कोई फिर से उभर सकता है, उस लहराते हुए पेड़ की तरह, बस सही बीज डालने की देरी है, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर पूरी इंसानियत आने वाले वक्त से डरती रहेगी, तो वो डर शायद सच हो जाएगा। कांटों की फसल लगा के हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ गुलाब खिलेंगे, किसी को तो इस धरती में आशावाद के बीज बोने होंगे। तो तैयार हो जाइए एक नई शुरुआत के लिए, जहां दोस्त फिर मिलेंगे, जहां हर जगह हंसी होगी, जहां दुनिया नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी, जहां करोड़ों लोगों के जीवन बेहतर के लिए बदल जाएंगे। बिना कोई खूबसूरत सपने के जिंदगी बेरंग है, तो चलो इस खूबसूरत सपने को एक साथ बुने। तो चलो हम दिल से बस इतना विश्वास कर लें कि कल आज से बेहतर होगा, कि कल आज से बेहतर होगा। अगर इन बातों ने आपको मोटिवेट किया है, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें भी मोटिवेट करें। मैं हूं नवीन और मैं मिलूंगा आपसे अगली बार आपको प्रेरणा देने वाले कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक देखते रहिए द फिल्मी कट।